मंत्री जी की गाड़ी यहाँ पर नहीं है, शायद घर पर नहीं रहेंगे, हम लॉयर से मिल लेते हैं। अरे लॉयर अंदर है? हाँ है, क्या बात है? देखा आपने सर, आजकल माली भी सवाल पूछने लगे हैं। मैं माली नहीं हूँ, इस घर का मालिक हूँ। सॉरी सर, वो सर पे टॉवेल था ना, इसलिए पता नहीं चला। ये बताओ, तुम लोग मुझे टॉवेल पहने हुए देखकर अगर तुम लोग मुझे नहीं पहचान पाए तो मुजरिम को कैसे पहचानोगे? तुम बताओ डीसीपी। सर हम लोग पूरी तरह से एफोर्ट कर रहे हैं सर। तुम क्या एफोर्ट कर रहे हो मुझे मालूम है, मेकअप पोत कर टीवी में आ जाते हो, उधर भी वो फोन करके बोला कि मारूंगा। और तुम्हारा सर ब्रेकफास्ट हुआ क्या? नहीं सर। जा जा अंदर, जा अंदर जा, खा। थैंक यू सर। जा जा। हमारे सभी एफर्ट्स तो अच्छे थे, लेकिन ऐसा ही होगा ये बिल्कुल मुझे यकीन ही नहीं था। जानता हूँ सर, नकली एड्रेस देकर सिम कर लिया है, पकड़ नहीं पा रहे सर। आज का पेपर देखा क्या? हाँ देखा ना, आज की आवाज पेपर देखा है सर। पेपर के हेडलाइंस में ये लिखा था कि 84 मुजरिमों ने अपना गुनाह कबूल करके सजा मांग ली है। ऐसा होता रहा तो हम लोगों का क्या काम है? वो ऐसा ही करता जाएगा और तुम लोग देखते रहोगे। नहीं होगा, तभी तो मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, बोलिए क्या कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, तुमको मैंने यहाँ बुलाया है क्या? डीसीपी साहब जब आएंगे तब मैं बुला लूंगा, जाओ यहाँ से। है सत्यराज? यस सर। सर ने फाइल मांगी थी, वो रेडी है? मैं अभी रेडी कर देता हूँ सर। ठीक है ठीक है ठीक। डीसीपी साहब से मिलने आई है सर, कुछ भी पूछता हूँ बोलता है, मुझे उनसे ही बात करनी है। लो डीसीपी साहब तो पहले से ही टेंशन में है, और ये लड़की तो रिपोर्टर लग रही है, उल्टे से उल्टे सवाल पूछेगी तो सर और टेंशन में आ जाएंगे। सुनो सर, इधर आओ। क्या बात है? एक इम्पोर्टेंट बात है सर, डीसीपी साहब को ही बताऊंगी। तुम मुझे भी बता सकती हो? कल डीसीपी साहब जिसका पीछा कर रहे थे ना, मुझे उसी सिलसिले में बात करनी है उनसे। डीसीपी साहब ने कल नाइट ड्यूटी की, इसलिए वो आज नहीं आए। तुम वेट मत करो, तुम अभी घर जाओ और कल सुबह 10 बजे यहाँ आ जाओ, कल आपको साहब मिल सकते हैं। ओके सर। हाँ। सर हाँ? कल आऊंगी तो डीसीपी साहब से मुलाकात हो जाएगी ना? 100% बेटा, मेरी गारंटी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ओके थैंक यू सर। सत्यराज जल्दी कर यार, टाइम हो रहा है। हाँ करता हूँ सर। नागराज सर, ये लड़की कौन थी, कोई कंप्लेन है क्या? कंप्लेन नहीं थी सर, उसे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी थी, मैंने उससे बात की और भेज दिया उसको। मुझसे मिलने आई थी? क्या बात है। रोड पे जिस बदमाश का हमने पीछा किया था ना सर, उसी के बारे में कुछ बोल रही थी। वैसे तो पहले ही हमारे पास इतना सारा काम है, किस किस को क्या क्या बताएंगे सर, लोगों को समझता ही नहीं है। डैम, ये पूरा काम भाड़ में जाए, क्या तुम्हें मालूम नहीं उस दिन कितने लोगों ने उसे देखा होगा? लेकिन अकेली लड़की उसके बारे में पूछने के लिए आई है, इसका मतलब ये लड़की जरूर उसके बारे में जानती है। अरे सत्या सर, जल्दी जा। जाता हूँ सर। जाके लड़की को बुला के ला। अरे हम लोग को एक क्लू चाहिए, तुम जानते हो, और वो क्लू है केवल वो लड़की। छी नागराज, वो लड़की जरूर कुछ ना कुछ जानती है। सर सॉरी सर, वो लड़की चली गई। ओह शिट, एटलीस्ट नाम एड्रेस टेलीफोन कुछ तो पूछा आपने? नहीं सर। सर लेकिन कल सुबह 10 बजे उसको बुलाया है सर। क्या वो आएगी? आएगी सर, पक्का वो आएगी ना? पक्का आएगी सर। हाँ रोज मेरा यही काम रहता है, चाय ठंडा करके इसको देना बस। क्या करूँ? हे करपू, मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ। आप पूछिए ना। तो सुन, मैं तुम्हारे सामने इतने सालों से खाना खाते आ रहा हूँ, कभी तूने ये बात अपने मन में सोची कि मैंने तुझसे आज तक नहीं पूछा कि खाना खाएगा क्या? मन में 1000 बार सोचता हूँ लेकिन बोल। हाँ, करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। कारपू क्यों परेशान कर रहे हो? अरे इतनी अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें मुझे खिलाएगा, स्वादिष्ट। इसके सहारे ही पार्लियामेंट और स्टेट में लोगों से बात करने के लिए हिम्मत मिलती है। इतना खाओगे तो बात तो करोगे ही ना। अरे टाइम पास नहीं हो रहा है, क्या करे बता ना। सर एक काम करिए, डीसीपी साहब को फोन लगाइए और पूछिए कि ड्रामा कहाँ चल रहा है, फिर हम लोग वहाँ चल के ड्रामा देखेंगे और टाइम पास हो जाएगा।
शाबाश। दो दिन से मैंने डीसीपी से बात नहीं की, ऐसा लग रहा है वो मुझे भूल गया। ये ले फोन लगा। सर रिंग जा रही है। नागराज सर, मिनिस्टर लाइन पे, उसे बोल दो मैं मीटिंग में हूँ। ओके ओके सर। सर मैं नागराज बोल रहा हूँ सर। नागराज, तेरे डीसीपी ने बोला होगा कि मैं मीटिंग में हूँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 सर, मोबाइल मेरे पास था ना, देता हूँ अभी, देता हूँ सर। वो आपसे ही बात करना चाहते हैं सर। सर डीसीपी, अरे इधर उधर कुछ ड्रामा चल रहा है क्या? क्या है ना, मेरे टाइम पास नहीं हो रहा है। हेलो, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ? इस तरह का ड्रामा करना छोड़ दो और मुजरिम को जल्द से जल्द पकड़ने काम शुरू करो। आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं सर, हर दिन हम लोग सीरियसली उसी केस के बारे में सोच रहे हैं सर। ओए, टेंशन लेने से काम नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम तुम्हें मुझे फोन करके बताना होगा कि तूने मुजरिम को पकड़ लिया है या नहीं। क्यों, बराबर है? आ, बराबर है। ठीक है ठीक है, रखता हूँ। थैंक यू, अपना टाइम पास हो गया। आज तो आएगी ना? जरूर आएगी सर। बस एक क्लू हाथ लगने दो, मैं किसी भी तरह उस मुजरिम को पकड़ लूंगा। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें क्या मतलब? डीसीपी साहब से मिलने जा रही हूँ। वो किस लिए? क्योंकि तुम्हारे बारे में डीसीपी साहब से मुझे पूछताछ करनी है, इसीलिए। पीछे बैठो। नहीं बैठूंगी। तुम्हें जो भी जानकारी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। बैठो। बोलो ना, बैठो। मेरे पिताजी वो जज थे, न्याय के पुजारी थे वो। ट्रिनो वैली में इनकी बहुत इज्जत थी, बहुत गर्व से वो वहां पर रहा करते थे। वो कहते थे कि सफेद पोश कपड़े पहनने से कोई शरीफ नहीं हो जाता, दिमाग भी उतना ही साफ होना जरूरी है। बड़े बड़े लोगों ने इन्हें कई बार खरीदने की कोशिश की, लेकिन पैसों के लिए इनका ईमान कभी नहीं डगमगाया। मैं भी इन्हीं का बेटा हूं, इनके जैसा ही हूं, मुझ में भी इनका ही खून दौड़ रहा है। इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल सही कर रहा हूं, और जब तक जिंदा हूं यही चीज करते रहूंगा। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? मेरे पिताजी, मेरी मां, मेरी बहन, हम सब खुश थे। बड़ी प्यारी सी जिंदगी।